गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो लास्ट के आप पोजिशन टाइम की गल की सी, जो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के होंगे, अच्छ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। तो फर्स्टली कंसीडर कर लिया उन्होंने, इन ऑब्जेक्ट है मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। तो कहें ओ एक्स कोई अपने को स्ट्रेट लाइन है, उस अपने कोई ऑब्जेक्ट है वी वेलोसिटी के नाल के मूव करता पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट द ऑब्जेक्ट बी मूविंग टुवर्ड द राइट ऑफ ओरिजन ओ, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो कहें अपना जो ऑब्जेक्ट है वह अगर अपने इतने ओरिजन है तो राइट साइड पर जा रहा, तो वह मतलब अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे। फॉर पोजिशन एंड टाइम मेजरमेंट हैंस वी इज पॉजिटिव। तो कहें अगर अपने को पोजिशन और टाइम मेजर करना है तो उत्थे की कहता उन्होंने जो वी वैक्टर अपनी वेलोसिटी है पॉजिटिव है। कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो कहें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन के अपने को आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। का जो लास्ट वाला किया पोजिशन टाइम अपने को उस भी स्ट्रेट लाइन से बट अपने को इनकलाइंड हों टाइम एक्सिस से, हमने अपने को पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। कहें इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द लैफ्ट ऑफ द ओरिजन, अगर अपने को ओरिजन तो की जा रहा है लैफ्ट साइड में जा रहा है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की होएगा अगेन स्ट्रेट लाइन होएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट लाई बिलो द टाइम एक्सिस विच हैज़ बीन शोन इन। तो अपने को ओरिजन के अपने को बिलो शो करेगा, क्योंकि अपने को नैगेटिव डायरेक्शन जी वेलोसिटी की हो जाएगी नैगेटिव हो जाएगी, तो वो करके उन्होंने आप ओरिजन तो बिलो शो किया है। तो की कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैल्प अस टू कैलकुलेट द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल ज्योमैट्रिकली। तो कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाल आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिसप्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट की भी कि डिसप्लेस होया किसी टाइम इंटरवल के ज्योमैट्रिकली ग्राफिकली इतने शो किया। लैट कर लिया अपने को सी एंड डी बी द टू पॉइंट्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पोंडिंग टू इंस्टेंट टी वन एंड टी टू। एक सी पॉइंट है एक टी डी पॉइंट है, अपने को विद रिस्पैक्ट टू टी वन के उपर अपना ऑब्जेक्ट सी के उपर है एंड टी टू टाइम अपने को डी पॉइंट पर पहुँच गया। दैन अपने को जो ओ ए आ रहा है और अपने को सी वन सी आ रहा है डी वन डी आ रहा है, वेलोसिटी के उपर अपने को है वेलोसिटी एक्सिस से अपने को वेलोसिटी ओ ए भी अपनी वेलोसिटी है सी वन सी भी अपने को वेलोसिटी और डी और डी वन भी अपने को वेलोसिटी। तो तीनों वैल्यूज अपने को इक्वल है शो कर दी वेलोसिटी और अपने को ओ सी वन की इक्वल आएगी टी वन ओ डी अपने को डी वन की इक्वल आएगी अपने को टी टू दे इक्वल आएगी। तो अपने को कहें डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन इक्वल होएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो आपको पता जो अपने को फार्मूला होंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उतो आप डिसप्लेसमेंट अगर फाइंड करिए तो वी इंटू टी हो जाएगा। तो डिसप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की किसी टाइम टी टू माइनस टी वन के हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल हो जाएगी। तो उन्होंने आप लिखे वी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि अपना जो टाइम इंटरवल है चेंज हो रहा है, तो उतो अपने को आ गया वी टी टू माइनस टी वन। तो उन्होंने आप वेलोसिटी की गल की से अपने को ओ ए सी इक्वल टू सी सी वन सी और डी वन डी, तो उतो आप एक वैल्यू ले ली सी वन सी इंटू टी टू का अपने कोल की सी ओ डी वन माइनस एज इट इज टी वन की वैल्यू की सी ओ सी वन अपने को आ रही सी। तो सी वन सी एज इट इज अपने को ओ डी वन माइनस ओ सी वन की अगर आप वैल्यू फाइंड करांगे तो की आऊगी अपने को सी वन डी वन आ जाएगी। देन अपने को आ गया लेंथ है ए वाला, अपने को आ गया ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की होंगे अपने को एरिया, जो जो भी अपने को रिकटेंगल शेप दे चाहिए स्केयर, तो आप लिख लिया एरिया किसका अपने को सी सी वन डी वन डी का आ गया। तो इसका मीनिंग क्या आ गया अपने को डिसप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की इन टाइम इंटरवल अपने को टी टू माइनस टी वन के न्यूमेरिकली इक्वल होगी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंट टी वन एंड टी टू। तो की कहता जी डिसप्लेसमेंट है किसी भी टाइम इंटरवल के की होएगी अपने को इक्वल होएगी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी टू टाइम्स टी वन एंड टी टू। अगर अपना फिर गल करते हैं ऑब्जेक्ट नैगेटिव वेलोसिटी के नाल मूव करता तो जो अपने को एरिया बिलो आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो अपने को नैगेटिव आएगा एंड कोरस्पोंडिंग टू दिस विल डिसप्लेसमेंट अपने को हो जाएगी नैगेटिव। तो वेलोसिटी नैगेटिव है तो एरिया अंडर अपने को जो ग्राफ होएगा वो भी नैगेटिव होएगा और अपने को विद रिस्पेक्ट टू दैट डिसप्लेसमेंट भी की होएगी नैगेटिव होएगी।